तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन एक आशिक की नहीं। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। इतनी जल्दी सब कुछ, मेरा मतलब है कुछ वक्त तो दरकार होगा ना शादी की तैयारी के लिए। फौजिया बेटी, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शादी में शिरकत करनी है, बाकी सारी तैयारी हमारी होगी। मेहरबानी है आपकी, इतनी हैसियत तो नहीं है कि आपका मुकाबला कर सकें या बराबरी कर सकें, लेकिन बहरहाल लड़की वाले हैं, खाली हाथ तो रुख्सत नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो करूंगी ना अपनी बहन के लिए। देखो फरियाल को तो उसी दिन मैं रुख्सत करके ले आया था, उस दिन से लेकर आज तक और हमेशा फरियाल हमारी जिम्मेदारी रही है, तुम परेशान मत हो। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, सारी शॉपिंग सारी तैयारी कर लेंगे। हाँ। एहसान है आपका, अब्बा जी की रूह को बहुत सुकून मिलेगा। तुम ना बस अपनी और अपने बच्चे की तैयारी करो बस। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। कुछ कहना चाहते बाबा? मैं बस ये सोच रही थी कि हम वाकई जल्दी नहीं कर रहे। देखो बेटा, तुम शाहजहान के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो, किसी वक्त भी बदल सकता है, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। चपाती देना। एक बात शेयर करनी थी आपसे। कर लो शेयर, जरूर फरियाल के मुताल्लिक ही होगी। फरियाल की शादी इब्राहिम अंकल अपने बेटे शाहजैन के साथ कर रहे हैं। रोटी लेके आती हूँ। क्या कहूँगा मैंने, ये लड़की ठीक नहीं है, वहां जाती चक्कर चलाती। शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे भाई की जान छुड़ा दी। और तुम क्या कह रहे हो, बहुत ही मासूम बहुत ही प्यारी लड़की है। तभी तो पहले तुमने फंसाया, फिर इब्राहिम के लड़के को फंसा लिया। ऐसा सामान आके मेरा बस चले ना, मैं इस लड़की का मुंह नोच लूं। अरे रहने दें शाहीन बाजी, मैं कहता हूँ जो हुआ है अच्छा ही हुआ। रियाल की वजह से इस अमीर घराने से हमारी भी रिश्तेदारी हो जाएगी, जिसका हमें बड़ा फायदा होगा। बस अब आप खामोश रहिए ना, जो हो रहा है ना उसे होने दें। मुबारक हो तुम्हें, शादी हो रही है बहन की। कहाँ जा रहे हो, खाना तो खाओ। नहीं खाना, मन भर गया है मेरा सब रिश्तों से। जुहेब, क्या कह रही भाभी, 15 दिन में शादी कैसे पॉसिबल है? बाबा को समझाएं आप। पॉसिबल तो सब कुछ है भाभी, लेकिन जल्दी किस बात की, मैं कौन सा भागा जा रहा हूं? और अगर भाग गए तो? अब ऐसा भी नहीं है भाभी। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, सारा काम तो हमने करना है, तुमने तो सिर्फ अपनी और फरियाल की शॉपिंग करनी है जाके। आप समझ क्यों नहीं रही, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। क्यों, अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? मेरी बात सुनो,
प्लीज कोई नया हंगामा नहीं खड़ा कर देना यहाँ पे। बाबा बहुत खुश हैं तुम्हारी शादी की वजह से, हम लोग भी बहुत मुतमईन हैं। मेरी बात सुनो, जो बाबा कह रहे हैं ना वो कर लो प्लीज, इसी में भलाई है तुम्हारी। हेलो, हाय, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, मैं परियाल से बात कर रहा था। अब उसकी तरह उसकी बातें भी खूबसूरत लगने लगी हैं मुझे। हाँ भाई, तुम्हारा वैसे कोई दीन ईमान नहीं है। क्यों? शी इज गोइंग टू बी माय वाइफ, अब इतना हक तो बनता है उसका। हफ्ते बाद हमारी शादी भी तो है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग के हम कहीं चले बाहर। फिलहाल मूड नहीं है। परियाल को भी बाहर जाना था। तुम ऐसा करो, घर आ जाओ। ठीक है बॉस, मैं आती हूँ। कहाँ ये मेरे प्यार में मरा जा रहा था, और इसके लिए अब वो लड़की इतनी अहम होती जा रही है कि 2 हफ्तों में शादी कर रहा है। शाज़ैन, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। बताएं, कोई काम है? फरियाल को शॉपिंग पे लेके जाना है ना तुमने, शादी सर पर है। आप ले जाएं उसे। शाज़ैन, इकट्ठे शॉपिंग पे जाओगे तो एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझोगे, एक दूसरे के मिजाज को समझोगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हो? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हाय। हाय। एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब हमारी शादी है तो हमें साथ ही शॉपिंग करने जाना चाहिए ना। आप फरियाल को बुला लें। ओके, आप तुम्हारे लिए कुछ भेजूं, कॉफी? नहीं, आई एम गुड। कहीं जा रहे हो? हाँ, एक्चुअली फरियाल चाह रही थी कि हमें शादी की शॉपिंग मिलके करनी चाहिए, सो आई थॉट व्हाई नॉट, उसकी खुशी का ख्याल तो रखना चाहिए ना मुझे। What? I'm surprised. वो लड़की जिससे तुम कुछ दिन पहले इतनी नफरत कर रहे थे, now you're doing all of this for her. कुछ गलत फहमी थी हम दोनों के बीच में, मैं गलत था, लेकिन जितना मैंने वक्त गुजारा उसके साथ मुझे लगता है कि वो इतनी बुरी भी नहीं है। इनफैक्ट वो तुमसे बहुत बेहतर है, कम से कम मेरी बात ध्यान से सुनती तो है। You're right. बच्चों की तरह समझाना पड़ता है तुम दोनों को। भाभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप उनसे कहें कि उन्हें जो समझ आए वो खरीद लें। पागल हो क्या? उसको मालूम होनी चाहिए तुम्हारी पसंद और नापसंद, और यही तो मौका है एक दूसरे को समझने का। वो भी खुश हो जाएगा और तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी। चलो शाबाश, उठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी लग रही हो। चलें। Oh, by the way, join us. I mean, तुम मेरी best friend हो, we could use some help. No, I'm good. Thank you. मनाहिल, चली जाओ ना उसके साथ, वो ठीक कह रहा है। और फरियाल को अगर कोई confusion होगी तो तुम उसकी help कर देना।
हाँ चलो मनाहिल। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी और जलन थी अब वो तुम्हारे चेहरे पर नजर आने लगी है। बस अब इंतजार है कि तुम कब मुझसे मोहब्बत का इजहार करती हो ताकि मैं ये खेल खत्म करके हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊं। इब्राहिम भाई आए थे इनविटेशन कार्ड लेकर। अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। खाना वगैरह या कुछ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाबा फरियाल जा रही है पार्लर तैयार होने, फिर वहीं से हॉल जाएंगे। ये सामान दूसरा भी रखना है। बेटा तुम खुश तो हो? बाबा सबकी खुशी में मेरी खुशी है। देखो बेटा मुझसे जितना हो सका मैंने किया, मैं कुछ कमी रह गई हो तो तुम मुझसे जिद करके पूछ सकती हो, मुझे तुम्हारी जिद अच्छी लगती बेटा। जी बाबा। तुम्हारे मुंह से बाबा का लफ्ज सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब तो मैं आपको जब भी देखती हूँ मुझे अब्बा जी का ख्याल आता है। हाँ तुम भी तो अमानत की अमानत हो ना, और मैंने तुम्हें अमानत समझ कर ही इंशाअल्लाह ताला रखूंगा। देखो बेटा तो तुम शाहजहान को अच्छी तरह जानती हो, उस नालायक को अपने दुपट्टे से बांध के रख लो। मैंने तुम्हें उसके हवाले नहीं किया, उसे मैंने तुम्हारे हवाले किया। मेरा दिल कहता है कि जिंदगी के हर छोटे बड़े मोड़ पर तुम उसे संभाल लोगे। और हाँ बेटा तुम्हें खुली छूट होगी, अगर कभी उसकी बात तुम्हें बुरी लगे तो तुमने चुप करके नहीं बैठना, उसके कान खींचने। मैं नौशीन और कामरान तुम्हारे साथ। फरियाल चलिए देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। तुम तैयार नहीं हुई मनाहिल, आज शाहजहान की शादी है। मैं नहीं जा रही मैम, आप चली जाएं। तुम नहीं जाओगी तो वो नाराज हो जाएगा। हो जाए नाराज, कौन सा मेरे ना जाने से वो शादी रुक जाएगी। तुम हाँ कह देती तो आज तुम उसकी दुल्हन होती। प्लीज आप क्यों मेरे पीछे करेंगे, वो करता है तो करता है रहना उससे शादी।
उसी तरह की लड़की डिजर्व करता है शाहजहान। कुछ भी कह लो मनाइल, मगर वो लड़की मिसेस शाहजहान ही कहलाएगी ना आज से। उस घर में रहेगी, राज करेगी, वो भी प्रिंसेस की तरह। बेटा तुमने बहुत अच्छा चांस गवा दिया। मैं तुम्हें इसरार इसलिए कर रही हूँ मनाहिल, कि वहाँ जितने लोग आएंगे वो सब यही कहेंगे कि तुम शायद जेलसी में नहीं आई, और तुम्हारे बारे में इस तरह कोई कहे कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा ड्रेस निकाल रही हूँ, तैयार हो जाओ। कैसा लगेगा ये? गाड़ी क्यों रोक दी? ज़ुहेब तुम? हरियाल में तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस चलो। ऐसा नहीं हो सकता ज़ुहेब। क्यों नहीं हो सकता? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अभी भी शाहजहान के निकाह में नहीं हो, तो वापस क्यों नहीं जा सकती मेरे साथ? ज़ुहेब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके बाद क्या? मैं अपने मरहूम अब्बा जी की सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत को ऐसे मुट्ठी में नहीं मिला सकती। मैं अपने मरहूम अब्बा जी का नाम ऐसे शर्मिंदा नहीं कर सकती। मुझे रोजे महशर उनको अपना चेहरा दिखाना है, जवाब देना है। क्या कहूंगी मैं कि आपके नाम की लाज नहीं रख सकी मैं? ये सब कुछ करने के बाद तुम और मैं दुनिया और आखिरत में सिर्फ गुनहगार होंगे और कुछ नहीं। सब समझता हूं फरियाल, पर क्या करूं, दिल नहीं मानता। समझ लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आई नहीं थी, समझ लो कि हमारा मिलना नसीब में नहीं था। भूल जाओ मुझे। भूल जाओ? काश कि इतना आसान तो तुम्हें भूलना। जिस तरह मैंने अल्लाह की रजा में राजी होके शाहजहान को अपने शोहर के रूप में कबूल कर लिया है, अब तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो। ऐसे खड़ी हुई? कुछ नहीं। चलो आओ मेरे साथ। नहीं, तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं? तुम ठीक हो? ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मेरे साथ। आ जाए, मैं आती हूँ। बिस्मिल्लाह
रहमान रहीम। शाहज़ैन बल्क इब्राहिम से फरियाल बिनते अमान अली का निकाह बाएवस 10 लाख रुपए सिक्का राजू वक्त में तय किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। शाहज़ैन वल्द इब्राहिम से फरियाल बिनते अमानत अली का निकाह बाएवस 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त में तय किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। देखो बेटा, जो औलाद माँ बाप की फरमा बरदार होती है ना, तो माँ बाप के दिल से उसके लिए दुआएं निकलती। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा, मैंने हमेशा कोशिश की है कि तुम्हें जिंदगी में वो सारी खुशियां दू, सारी मोहब्बतें दू, तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊ, जिसके लिए मैंने तुम पर सख्तियां भी की जो तुम्हें नागवार गुजरती थी। देखो बेटा, मैंने फरियाल को तुम्हारे लिए मुंतखब किया। तुम भी अपना माजी भुलाकर उसे खुश रखने की कोशिश करना, उसे प्यार देना और उसे कभी यह एहसास ना होने देना कि तुम्हारी जिंदगी में पहले कोई और था। फिक्र मत करें बाबा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। फरियाल बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं। काश आज मेरा दोस्त अमानत अली जिंदा होता, वो ये सब देखकर कितना खुश होता। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जो अपने मरहूम दोस्त के साथ वादा किया था वो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। कहाँ हो मनाहिल, तुम नजर क्यों नहीं आ रही मुझे? शाहज़ैन मनाहिल,
बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बोलो मनाहिल, तुम कुछ कह रही थी? शाज़ेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई शाज़ेन। शाज़ेन, मैं तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें स्टेज पे किसी और के साथ बैठा हुआ देखा है ना, I lost it, I couldn't take it। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं घर आ गई हूँ शाज़ेन, तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ। तुम प्लीज आ जाओ मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो, तुम घर क्यों चली गई हो? मैं ये सब कुछ छोड़ के कैसे आ सकता हूँ तुम्हारे पास? तुम्हारा निकाह हो गया है? नहीं। Thank God. Don't do it. Shazen, don't do it. Please don't do it. तुम मेरे पास आ जाओ। God, I really love you. मुझे पहले एहसास ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। सब मुझे समझाते रहे, तुम मुझे बार बार कहते रहे, लेकिन आज मैं देख ही नहीं पाई तुम्हें किसी और के साथ भेजा। प्लीज मेरे पास आ जाओ शाज़ेन, आई रियली लव यू। कैसी बातें कर रही हो तुम मनाया, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास कैसे आ? शाज़ेन, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं फाइनली इकरार कर रही हूँ, तुम यही सुनना चाहते थे ना। अब मैं बोल रही हूँ, आई लव यू। कहाँ गया तुम्हारा वो गुस्सा, वो जुनून, तुम्हारी वो मोहब्बत कहाँ गई? एक पल में खत्म? Please don't do this, Shazen, please. इन सब बातों का कोई फायदा नहीं बनाया। कितना तड़पा था मैं तुम्हारे लिए, मिन्नत है कि बैक किया तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए, लेकिन तुमने क्या किया, रिश्ता ही तोड़ दिया। तब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं ये सब छोड़ के। I made a mistake. बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं शाज़ेन, मैं रो रही हूं। तो मेरे आंसुओं का भी कोई एहसास नहीं है शाज़ेन, मैं मर जाऊंगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता मनाया, अगर ऐसा होता तो शायद मैं अब तक जिंदा ही ना होता। शाज़ेन, तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है? मत करो ये, प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी मनाया, अब कोई फायदा नहीं। शायद अब पछतावा ही हम दोनों का मुकद्दर बन चुका है। बाय। तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? किसी के लिए नहीं मरता मनाया, अगर ऐसा होता तो शायद मैं अब तक जिंदा ही ना होता। अब कोई फायदा नहीं, शायद अब पछतावा ही हम दोनों का मुकद्दर बन चुका है।
मनाहिल, मनाहिल, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं जिंदा रह सकती उसके बगैर। मरने देना आप मुझे। हर रोज मरने से बेहतर है ना मैं एक ही बार मर जाऊं। मुझसे गलती हो गई है माँ। अब शाहज़ेन को नहीं, मैं बस सब कुछ करूंगी जो वो कहेगा मैं। I will do everything for him. Please, please, please उसको ले आए। Please उसको ले आए ना। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बेटा तुम स्टेज से क्यों उतर आए हो? जाओ, मेरा मतलब है फरियाल के साथ बैठकर तस्वीरें बनवाओ। जो आपका हुक्म बाबा। देखो बेटा, जो फरमा परदार औलाद होती है ना, उनके लिए वालदैन के दिल से दुआ निकलती है। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और पुरम रखे। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया, पहली दफा तुमसे उम्मीद लगाई है, मायूस मत करना। आपसे वादा किया बाबा, आपकी उम्मीदों में पूरा उतरूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जाओ फरियाल के साथ बैठो, मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। मुझे क्यों बार बार फोन करी हो तुम? फरहत बोल रही हूँ शाहज़ेन। I'm sorry आंटी, वो मैं समझा शायद मनाहिल बात करी है। बोलिए। क्या बताऊँ तुम्हें? मैं अगर वक्त पे नहीं पहुँचती तो मेरी बेटी तो मर जाती। तुम्हें पता है उसने भी जान लेने की कोशिश की। तुम जहाँ भी हो सारे काम छोड़ो और घर आ जाओ प्लीज। शाहज़ेन कहाँ जा रहे हो? मैंने कहाँ जाना है भाई, मैं यहीं पे हूँ। एक दोस्त को रिसीव करने जा रहा हूँ बाहर से। अच्छा चलो जल्दी आना। ओके। मनाहिल, आंटी मनाहिल कहाँ है? मनाहिल आंटी अपने कमरे में है, उसकी बहुत बुरी हालत है, वो मर जाएगी। मैं जानती हूँ कि उसने तुमसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मेरी मेरी बेटी को बचा लो। तुम्हें पता है अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो वो अपनी जान ले लेती, मर जाएगी। प्लीज उसे बचा लो। इसे जाने दे मैम। शादी है आज इसकी, इसकी दुल्हन इसका इंतजार कर रही होगी। क्या किया तुमने? ये जान लेने की कोशिश की तुमने? दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम? समझती क्या खुद को तुम? मैंने कहा था ना कोई किसी के लिए नहीं मरता,
मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना आएगा, उससे बुरा कोई नहीं होगा। क्या समझती हो तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं खुद को माफ कर पाता? मैं क्यों किसी और के साथ निकाह कर रहे थे? ये बर्दाश्त कर सके? कर लूंगा चाहे आ